नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करेंगे सफाया के बारे में। सफाया जो UPL कंपनी का खरपतवार नाशक है, जिसका इस्तेमाल किसान भाई फसल में चौड़ी पत्ती वाले जितने भी घास होते हैं उनको मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे टेक्निकल से। इसमें जो टेक्निकल आता है 2,4-D अमाइन साल्ट 58% जो SL फॉर्म में आता है। इसका काम करने का तरीका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से ये जितने भी फसल में चौड़ी पत्ती वाली घासों की 4-5 पत्तियों पर वो अच्छा जड़ से मारने का काम करता है। हमारे फसल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सिस्टमेटिक काम कर यानी कि छिड़काव के बाद चौड़ी पत्तियों के पत्तियों द्वारा अंदर जाके जड़ से मारने का काम करता है। इसके वजह से भुंगराज, जंगली चौलाई, सावा, मोथा, गाजर घास, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, मकड़ा घास आदि घासों का अच्छी तरह से मार गिराता है। हम इसका इस्तेमाल धान, मक्का, गन्ना, गेहूँ, पोटैटो आदि फसलों में कर सकते हैं। हम इसके साथ दूसरा भी खरपतवार ले सकते हैं, जैसे कि हम इसका इस्तेमाल मक्का में करने वाले हो तो इसके साथ आप लॉडिस ले सकते हो या कैलोरीज भी ले सकते हो। अगर आप इसका सा इस्तेमाल गेहूं में करने या गन्ने में करने वाले तो मेट्रोविजन भी ले सकते हो। कीमत की बात करें तो आपको 1 लीटर का बैग आपको मार्केट में 320 तक मिल जाएगा। अगर बात करें रिजल्ट की तो छिड़काव के 5 या 6 दिनों में आपको इसके पूरे रिजल्ट दिख जाएंगे खरपतवारों के। बात करेंगे छिड़काव करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, तो मिट्टी में अच्छी नमी होगी तो अच्छा खरपतवार जड़ से जाएगा। जब कोई भी खरपतवार छिड़काव करते समय मिट्टी में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही फ्लैट फैन नोजल से ही इस्तेमाल कीजिए। रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 घंटे का यानी कि छिड़काव के 2 घंटे बाद भी बारिश आएगा तो भी आपका पूरा घास जड़ से मर जाएगा। छिड़काव को जो भी पानी लेने वाले हो वो साफ़ सुथरा लेने चाहिए। हवा चलते समय छिड़काव नहीं किया रहे, क्योंकि हवा चलते समय अच्छी तरह से वो घास पे नहीं गिरता है। आपको 150 लीटर पानी में इसका अच्छा तरह से घोल बनाकर छिड़काव करना है। अगर डोज की बात करें तो गन्ने में आप 1 लीटर तक डोज ले सकते हो, मक्के में आप 600 मिली प्रति एकड़ तक डोज ले सकते हो, गेहूं में आप 400 मिली प्रति एकड़ से ऐसा डोज ले सकते हो। धन्यवाद। आप जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।